हेलो, आवाज़ आ रही है? चलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। आपको याद है कि हम लोग दो चीज डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। उसके बाद डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल। पहले वाले को कहा था एक्सियल पोजीशन, दूसरे वाले को कहा था इक्वेटोरियल पोजीशन। तो दो पोजीशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पहला है एक्सियल पोजीशन और दूसरा है इक्वेटोरियल पोजीशन। आप लोग क्लियर है ये? एक बार मैं फिर रिवाइज करा देता हूं थोड़ा सा। ये है नॉर्थ पोल, यानी मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज। ये है साउथ पोल, मान लेते हैं यानी माइनस क्यू चार्ज। सेम काम मैग्नेट में होगा, ध्यान रखिएगा। यहां आप पढ़ रहे हैं डाइपोल, डाइपोल में दो पोल होता है। दो पोल कैसा होता है? इलेक्ट्रिक पोल्स होता है। मैग्नेट में दो पोल होता है, दो पोल कैसा होता है? मैग्नेटिक पोल्स होता है, ठीक है? ये कहलाया आपका। इस पूरे लाइन में कहीं भी आप कोई भी एक पॉइंट लेके आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, वो आप निकालिए। उस पॉइंट पे आपका जो थ्योरम होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है? अब इक्वेटर, हमेशा इक्वेटर किधर होता है? इक्वेटर होता है इस दोनों के बाइसेक्टर पे और इसके परपेंडिकुलर। और इस लाइन पर कहीं भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी एट ए पॉइंट विच इज ऑन द इक्वेटर, या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजिशन। ठीक है, क्लियर है आपको? तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला काम है डाइपोल डेवलप करना। इसको मैं मान रहा हूं प्लस क्यू और माइनस क्यू। बुक में माइनस क्यू यहां होगा, प्लस क्यू यहां होगा, चिंता की बात नहीं करनी, चिंता नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप किसी को, किसी भी थ्योरम को किसी भी ढंग से बना सकते हो, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। फिर यहां पे आ गए, मिड पॉइंट लिया और यहां से एक लाइन खींच दिया। यहां पर इसको मिलाया, यहां पे इसको ए माना, इसको बी माना और इसको सी माना, ठीक है? आप ही बताइए इसको क्या मानो, क्या माना है आपने, या हमने क्या माना था थ्योरम में? पिछले दो थ्योरम में 2a माना था, तो इसको क्या मानेंगे? तो ये भी a हो जाएगा। वेरी सिंपल, ये नहीं लिखा मैंने, लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ब्लैक मार्कर से मैं ये आपको शो करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स। पर इलेक्ट्रिक फील्ड शो करने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि ये थ्योरम नॉर्मल पैटर्न से नहीं बनेगा, ठीक है? नॉर्मल पैटर्न से इसलिए नहीं बनेगा कि थीटा और आर का डिपेंडेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आर का भी फंक्शन है, थीटा का भी फंक्शन है। इससे पहले थीटा कांस्टेंट रहता था कि नहीं, बताइए? था ना थीटा कांस्टेंट? यस सर, तो बोल दिया, लेकिन डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। क्यों डायग्राम बनाना पड़ेगा? क्योंकि देखिए जरा सा, यहां पे थीटा का कंसेप्ट था क्या
कौन सा पोजीशन है ये? इसमें थीटा का पोजीशन है? नहीं है। दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन, ये एक्सियल पोजीशन में, इक्वेटोरियल पोजीशन में थीटा का है? है, एकदम है। देखिए याद कीजिए, इधर एक, इधर एक, ये थी टू थीटा, तो ये कुछ 90 माइनस थीटा, या आप इसको इधर कर लें, इसको इधर कर लें, ये थीटा और ये यहाँ पे आता था, याद कीजिए, ये थीटा था ना, ये भी थीटा था, याद आया? तो यहाँ पे थीटा वेरिंग है कि थीटा फिक्स है? थीटा फिक्स है, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन फिक्स है, इक्वेटोरियल लाइन फिक्स है, या थीटा आर पे डिपेंडेंट है? थीटा और आर अलग अलग नहीं है, थीटा आर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे मान लें यहां पे निकाला, तो आपको आर पता है, आर से रिलेटेड थीटा है, पर इस केस में ऐसा नहीं है। आर और थीटा का रिलेशन निकालना सबसे मुश्किल काम है, ठीक है ना? तो यहां अलग कंसेप्ट आ जाता है, थोड़ा सा अलग कंसेप्ट, वैसे उस कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन किसी ने अभी तक नहीं किया है और बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग है, तो उसके लिए एक वर्क एनर्जी मेथड यूज किया गया है, वो भी मैं आपको आज ही बताऊंगा। अब देखिए, ये दूरी को आप आर मानोगे, मानोगे ना, याद करो, यही चीज यहां आता था एक्सियल में, यही चीज यहां ऐसा हो जाता था इक्वेटोरियल में, याद आ रहा है? आ रहा होगा। चलिए, अब ये आपका डायपोल है, तो डायपोल का डायरेक्शन क्या है बच्चों? व्हाट्स द डायपोल डायरेक्शन? बी टू ए और ए टू बी, तो बी टू ए और ए टू बी, इट इज ए टू बी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल। क्या लिखोगे इसको? पी क्या होता है बच्चे? पी क्या होता है? Q इंटू टू ए, चार्ज है Q, चाहे पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, डायपोल का मतलब सेम चार्ज बट ऑफ अपोजिट नेचर, तो P इक्वल टू Q इंटू टू ए। पी वन, अब पी वन क्या है वो समझना है, करना क्या है, सिंपल, ये जो लाइन है इसकी पैरेलल एक लाइन एक्सटेंड कर दीजिए और इसकी परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दीजिए। ध्यान से देखिएगा, ये एक लाइन परपेंडिकुलर है, ये एक लाइन परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है बच्चों बताओ तो? किसके परपेंडिकुलर है? पी सी के परपेंडिकुलर है, और ये लाइन जो है पी सी का एक्सटेंशन है, यानी पैरेलल है या अलोंग है। चलिए चलिए, अब ये आपको मान लेते हैं थीटा, या ये मान लेते हैं थीटा, जो मानना है मान लीजिए, ये थीटा मान लीजिएगा तो ये थीटा हो जाएगा। अब एक बात बताइए, अगर ये पी है तो ये थीटा एंगल पे क्या होगा? ये वेक्टर पी है तो ये पी कॉस थीटा होगा कि नहीं? ठीक है, तो ये अपना जगह बदल दिया, मान लेते हैं ये ए डैश हो गया, ये बी डैश हो गया, चार्ज तो उतना ही है, प्लस क्यू माइनस क्यू, ऐसा तो नहीं चार्ज टूट के बाहर चला गया या रबिंग होने लगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये सिर्फ क्या हुआ है, रोटेट हुआ है थीटा एंगल से, ये पहले ऐसे था, ये पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया। ठीक है, अब ये ऐसा है, अगर ये ऐसा है बच्चे तो ये पॉइंट उसके लिए क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन है या एक्सियल पोजीशन है बताइए? ये लाइन उसके लिए इक्वेटोरियल पोजीशन है कि एक्सियल पोजीशन है बताइए? ऑब्वियसली इक्वेटोरियल पोजीशन है। और अगर ये डायपोल ऐसा होता तो ये उसके लिए एक्सियल पोजीशन होता, तो डायपोल आइदर ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है। ठीक है,
अब देखिए, ऐसा होगा तो यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ऐसा होगा तो यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। क्लियर है कि नहीं ये पॉइंट? पहले आप ये बता दो हमको, नहीं है तो मैं रिपीट करूंगा इसको। चलिए अब ये बताइए, ये P है तो ये क्या होगा? ये P है, ये हो गया आपका P, तो ये क्या होगा? P cos थीटा। देखिए यहां पे भी नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, और ये इधर घूम गया है तो ये यहां भी जा रहा है, यहां ऐसे जा रहा है, क्योंकि ये ऐसे है, ऐसे होगा तो इधर होगा, ऐसे होगा तो इधर होगा, तो ये आपका नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। तो अब देखिए इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं, और ये इधर जा रहा है, और आपको पता है इक्वेटोरियल पोजीशन के केस में अगर मोमेंट, डायपोल मोमेंट इधर जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाता है? अपोजिट। और एक्सियल पोजीशन केस में अलोंग जाता है, तो डायपोल मोमेंट इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको आप कहिएगा ई एक्सियल है, ई ए, और ये किधर है? ये किसके लिए आ रहा है? इस वाले के लिए, तो ये क्या होगा? करेक्ट, ई इक्वेटोरियल होगा। तो ये आप लोगों को क्लियर है? अब ये बताइए इस दोनों के बीच में एंगल क्या हो रहा है? बहुत इजी है, बताइए। ये ऐसा, ये ऐसा, वेरी राइट, 90 डिग्री, एकदम सही जा रहे हो आप लोग, 90 डिग्री। अब ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, और ये आ गया, व्हाट इज दिस? ई रिजल्टेंट। और अब बारी बारी कैलकुलेट कीजिए, पहले तो ई ए कीजिए, ठीक है, इसको आप चाहे तो ई वन भी मान सकते हैं, और इसको चाहे तो ई टू भी मान सकते हैं, पर हम ई ए हमेशा लिखेंगे, ई ए इज इक्वल्स टू ई वन, ई ई इज इक्वल्स टू ई टू, सिंपल समझने के लिए। ए का मतलब एक्सियल पोजीशन, ई का मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन। अब इवन कैलकुलेट कर लीजिए आप, तो इवन के केस में क्या होगा बच्चों? याद करो फॉर्मूला एक्सियल का, एक्सियल का फॉर्मूला याद होगा आपको, 1/4πε0 इंटू 2π/r³, 2π/r³। तो यहां पर p लोगे कि p1 लोगे? कौन सा लोगे? p लोगे कि p1 लोगे? ये वाला p1 है और ये वाला p2 है। अब p1 जान रहे हो क्या हो रहा है? p sin थीटा है ये, करेक्ट, ये p1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/4πε0 P2/r³, सिंपल में, एकदम सिंपल में ये हो गया। अब आ जाइए रिजल्टेंट में, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। रिजल्टेंट में दो चीज निकाला जाता है, आप सबों को पता है, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन, और रिजल्टेंट निकलता है दोनों के लिए, स्केलर के लिए भी, वेक्टर के लिए भी, पर स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड निकलता है और वेक्टर में सिर्फ, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकलता है। तो रिजल्टेंट किसका निकाल रहे हैं? वेक्टर का। ये किसका है रिजल्टेंट? वेक्टर का। और वेक्टर क्या क्या है आप सबों को पता है, फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, और बहुत कुछ है कि नहीं?
इतना तो पता होगा। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकालने से पहले पी वन निकालिए, तो पी वन हो जाएगा क्यू इंटू टू ए कॉस थीटा, या पी कॉस थीटा भी आप लिख सकते हो, सॉरी पी वन है ना, पी वन हो जाएगा साइन थीटा, और यहां साइन थीटा लिख दो। पी टू हो जाएगा क्यू इंटू टू ए कॉस थीटा, यानी पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा। क्लियर होगा आप लोगों को, एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा, डाउट होगा आराम से पूछो, पर इसको समझो। इसको जो समझ गया हो उसके लिए बाकी चीज इजी होगा, तो भारी चीज समझ ले कि हल्का चीज आसान रहे, यही फंडा है। अब आगे बढ़ते हैं फिर, और सबसे पहले निकालते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसका भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑब्वियसली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर है, और ये होगा क्या, ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर। सफिशिएंट, इतना तो आपको पता है, पढ़े हो आप वेक्टर में, कि अगर रिजल्टेंट होता है ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर प्लस टू ई वन ई टू कॉस थीटा, और थीटा 90 डिग्री होगा, तो ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर, बहुत आसान है। अब ई वन बताओ भाई, 1 बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं तो इसको अच्छे से और लिख दो, ई वन को लिख दो ई ए, कि याद आ जाएगा फटाक से, टू टाइम्स होता है, याद करो। और ये हो गया इक्वेटोरियल, फटाफट लिख दोगे 1 बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टू पाई बाय आर क्यूब, टू पी साइन थीटा बाय आर क्यूब का स्क्वायर, प्लस ये ट्वाइस है तो उधर क्या हो जाएगा, 1 टाइम्स हो जाएगा, तो 1 बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कॉस थीटा बाय आर क्यूब का स्क्वायर। दोनों में से जो जो कॉमन निकलता है बाहर निकाल लो, 1 बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर टाइम्स है, ये भी स्क्वायर टाइम्स है, बाहर निकालो 1 बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ये बाहर निकल गया। अब देखो पी स्क्वायर है, यहां पे भी पी स्क्वायर है, बाहर निकाल देते हैं पी स्क्वायर लिख दिए, सॉरी पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर के लिए बाहर क्या आएगा, पी आएगा ऑब्वियसली। अब चलिए आर क्यूब का स्क्वायर है, तो क्या बाहर आएगा, आर क्यूब का स्क्वायर, आर क्यूब बाहर आएगा, वेरी गुड। चलिए पहला टर्म क्या बचा, पी बाहर आ गया, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, आर क्यूब बाहर आ गया, तो साइन थीटा और टू टाइम्स वाला बच गया, तो टू साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा क्या, किसी को समझ में आया, किसी को नहीं आया, क्या आया ये वाला, किसी को समझ में आया कि नहीं, ये देखो बाहर निकल गया, आर क्यूब भी बाहर निकल गया, पी भी बाहर निकल गया, तो बचा क्या, टू साइन थीटा, ये बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया, तो बचा क्या, पता है आपको क्या बचा है, अब उसको बचा रहे हैं तो यार लिख देते हैं, लिखने में क्या जाता है, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट इक्वल्स टू पी बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अंडर रूट 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू पी बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। 4 साइन स्क्वायर थीटा को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जानबूझ के किया है ऐसा हमने, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमको
वन देगा, ध्यान रखना ये हमको वन देगा, एकदम ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। ठीक है, अब ER लिख दीजिए, P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, अंडर रूट 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 1। अब आपसे पूछ सकता है कि phi एंगल बताइए, और phi एंगल ये है, यानी ये रिजल्टेंट क्या एंगल बना रहा है E1 के साथ, वो phi हो गया, और ये अल्फा, हम दोनों निकाल के आपको दिखाते हैं। वैसे phi और अल्फा निकाल रहे, तुम निकाल क्या रहे हैं, कोई बता सकता है मुझे, बताइए, टाइम दिया मैंने, ठीक है, किसका डायरेक्शन निकाल रहे हैं, ER का, E1 का या E2 का, किससे, E1 से एंगल देख रहे हैं कि E2 से, E1 से, E1 से होगा तो tan phi और E2 से होगा तो tan alpha, दोनों निकालते हैं, tan phi क्या हो जाएगा, ये phi है तो ये perpendicular हो गया और ये base हो गया, तो E2, ये अगर E2 है ना तो ये भी E2 होगा, और ये E1 है तो E2 by E1 हो जाएगा, E2 by E1, तो tan phi हो जाएगा, E2 उठा के रख दीजिए यहां से, यहां पे E2 है आपका, ये E2, यहां E2, यहां E2, तो 1 by 4 pi epsilon naught into p cos theta by r cube divided by 1 by 4 pi epsilon naught into 2p sin theta by r cube, ये कट गया, 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 ठीक है। देखिए क्या बचा, कैलकुलेट कीजिए, सब लोग अपने कॉपी में कैलकुलेट कीजिए, cos theta by 2 sin theta is the right answer, यानी cot theta by 2 बच गया, तो phi आ गया tan inverse cot theta upon 2 पूरे पे, ये मिल गया, ये हो गया आपका। अब आगे चलिए, tan phi तो मिल गया, tan alpha पे आइए, tan alpha भी निकालना सीखिए, alpha क्या है भाई, alpha जो है वो एंगल है, किसके साथ है एंगल, अल्फा किसके साथ एंगल है बच्चों, यस, एंगल बिटवीन ER एंड E2, और phi क्या है, एंगल बिटवीन, यस, याद रखना है इसको, चलिए tan अल्फा बच्चों, tan अल्फा, अल्फा अल्फा ये एंगल, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, परपेंडिकुलर का मतलब E1 और बेस का मतलब E2, बस उल्टा, E2 by E1 था, इधर E1 by E2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan अल्फा, इसका उल्टा हो जाएगा बच्चों, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 1/4πε0 × 2π sin θ / r³ / 1/4πε0 p cos θ
बाय आर क्यूब, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, तो इट इम्प्लाइज टैन अल्फा इज इक्वल्स टू टू टैन थीटा, यानी अल्फा इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स टू टैन थीटा ठीक है। तो यहां हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया बच्चों। ये जो मैंने डेरिवेशन कराया है वो आपके बुक में नहीं है ठीक है, आपके बुक में कुछ अलग है। आपके बुक में क्या अलग है? आपके बुक में इसको थीटा माना है। किसको थीटा माना है? इसको मैंने जानबूझ के इसको थीटा माना है, कि आप अगर इसको नहीं समझोगे तो परीक्षा में भी नहीं बना पाओगे ठीक है। और अगर आप इसको आज समझने का कोशिश करते हो तो परीक्षा में तो बनाओगे ही बनाओगे, साथ में ढेर सारा न्यूमेरिकल भी आराम से बना लोगे, न्यूमेरिकल तो तोड़ दोगे एकदम, चाहे कितना भी बड़ा हो। ये थीटा, ये थीटा मांगा है किताब में, तो ये वाला थीटा हो जाता, फिर ये पी कॉस थीटा और ये पी साइन थीटा। हम वो भी करेंगे लेकिन नेक्स्ट मीटिंग में ठीक है। नया मीटिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं।